Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parsara by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड से जीके जनरल नॉलेज के सिलेबस एंड सैंपल पेपर क्लास फर्स्ट के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने क्लास सेकेंड के सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर एंड सिलेबस डाल चुकी हूँ और क्लास फर्स्ट के मैं डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस के सैंपल पेपर और सिलेबस डाल चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप जानना चाहते हैं क्लास फर्स्ट में सिल्वर जोन ओलंपियाड से कौन कौन से पेपर की ओलंपियाड एग्जाम ली जाती है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर क्लास फर्स्ट से एट क्लास के ओलंपियाड एंड सीबीएसई स्कूल्स के वर्कशीट एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस से बताई जाती है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में आ जाता है इम्पॉर्टेंट डेट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, फैमिली एंड रिलेशन, आवर सराउंडिंग एंड हेल्पर्स, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, बॉडी पार्ट एंड सेंस ऑर्गन्स, फूड, रिलीजियस, नेशनल एंड फैमिली फेस्टिवल। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इसमें 16 रहते हैं और मार्क्स हो जाते हैं 3.5, सो टोटल 56 मार्क्स के हो गए। एंड नेक्स्ट हो जाते हैं आइडेंटिफिकेशन, जिसमें प्रश्न भी ऑब्जेक्ट्स का है, इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं। एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स में इंडोर आउटडोर गेम्स, प्लेयर एसोसिएट विद स्पोर्ट्स, इनसे 2 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 3.57 मार्क्स के हो जाते हैं। एंड स्कॉलर जोन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। स्कॉलर जोन में ऊपर जो हमने सिलेबस पूरा आपको एक्सप्लेन किया है टॉपिक वाइज, ये सिलेबस एंड ये सिलेबस, इन सभी सिलेबस से रिलेटेड ही अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। अचीवर सेक्शन या स्कॉलर जोन उसको कहा जाता है। अदर ओलंपियाड में ये जो है स्कॉलर जोन की जगह पे अचीवर सेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। इससे हायर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन न करके कुछ क्वेश्चंस को घुमा कर स्कॉलर जोन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास फर्स्ट में। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं एंड टोटल मार्क्स स्टैंडर्ड मार्क्स के पेपर होते हैं। साथ ही टाइम ड्यूरेशन इसका हो जाता है 40 मिनट्स। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पेपर हम देख लेते हैं। नंबर 1, चूज द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉलोइंग टू ऑप्शंस। इसमें से सबसे तेज फास्टर ट्रांसपोर्ट कौन है जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा सके। एरोप्लेन, बी बस, सी कार, डी क्रूसिंग सी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बाय अप्लाइंग कलर अपॉन ईच अदर, नेम द फेस्टिवल। यह रंगों का त्यौहार है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं? ए दिवाली, बी दशहरा, सी होली या डी रक्षाबंधन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, होली। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ए बी सी एंड डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, फिश लिव्स इन पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा, व्हाट काइंड्स ऑफ एनिमल द फिश इज। फिश पानी में रहती है, लेक्स लहर, रिवर नदी, पॉन्ड लेक एंड रिवर्स में रहती है, तो व्हाट काइंड्स ऑफ द फिश इज, तो किस प्रकार की एनिमल्स कहलाएगी, लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, एरियल एनिमल्स या नन ऑफ दिस। करेक्ट एनिमल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टर एनिमल्स।
क्योंकि फिश जो है पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में रहती है, अर्थात इन तीनों जगह पर पानी नहीं होता है, वो पानी में रहती है, इसीलिए इसे हम वाटर एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट। इसमें से हमें पहचानना है कि रेड फोर्ट की इमेज कौन सी है। ए, बी, सी एंड डी। तो रेड फोर्ट की इमेज कौन सी है, वो तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिस इज रेड फोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Why 15 अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। 15 अगस्त इंडियन के लिए, भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। ए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑन दिस, भारत इस दिन ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था। बी, इंडिया वॉन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान ऑन दिस, इस दिन भारत पाकिस्तान से युद्ध में जीता था। सी, इंडिया मेड एटम बम ऑन दिस, इंडिया ने इस दिन एटम बम बनाया था। और डी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑन दिस, इंडिया ब्रिटिश से इस दिन स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। वर्ल्ड अर्थ डे प्रत्येक साल कौन से दिन पर मनाया जाता है। ए, मार्च 15, बी अप्रैल 12, सी मार्च 22 एंड डी अप्रैल 22। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल 22। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स। इसमें से कौन रिवर है, नदी है। ए, गंगा, बी, यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ये तीनों ही नदियां हैं, रिवर्स हैं। नंबर 9, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडिया। इंडिया का दूसरा नाम क्या है। ए, इंडाना, बी भारती, सी हिंदुस्तान, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान। इंडिया का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डू क्रिसमस क्रिश्चियन प्रे। वेयर डू क्रिश्चियन प्रे, क्रिश्चियन जो है प्रे कहाँ करते हैं। चर्च, बी टेंपल, सी मॉस्क्यू या डी गुरुद्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चर्च। क्रिश्चियन चर्च में प्रे करते हैं। तो ये थे जीके ओलंपियाड के क्वेश्चन नंबर क्लास फर्स्ट के लिए। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, और आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी अवश्य बताएं। साथ ही में 7th क्लास के रिविजन्स PT2 एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं सभी स्कूल में, तो PT2 से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर रिविजन क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे वीडियो पे जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।